चलिए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि जब आपके ईयरफोन ख़राब हो जाए तो उनको किस तरह ठीक करना है, क्योंकि मैक्सिमम परसेंट में चांसेस होता है कि आपकी जो पिन है उसके पिन के पास से ही आपका हेडफोन ख़राब हुआ होगा। तो आप इनको कट करिए, ठीक है ना। कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जैसे आप देख पा रहे हो फाइव वायर्स है, फाइव वायर्स दिख रहे हैं आपको। बाय चांस आपकी ये वायर्स भी आप नहीं निकाल पा रहे हो तो पूरे पिन का पूरा कवर हटा दीजिए। इस कवर में आपके पास इसमें अंदर आपको फाइव वायर्स दिख रहे हैं ना, इन फाइव वायर्स में जो इन दो का कलर आपको सेम दिख रहा होगा, यानी कि ये दोनों का दोनों को आपको कॉमन करना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ये तीन वायर दिख रहे हैं इनमें से दो प्लस माइनस स्पीकर के हैं, प्लस माइनस यानी कि अलग अलग स्पीकर का, और एक माइक के लिए होता है, यानी कि माइक का प्लस और दोनों स्पीकरों का प्लस प्लस, और ये रिटर्न कंडक्टर। इस तरह से हमारे पास ये होता है। वैसे कनेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं कि ये और ये हमारे माइक के हो गए, और ये हमारे पास दो स्पीकर और उसका एक ग्राउंड। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों स्पीकर के लिए होते हैं, और इसके ऊपर जो है वो हमारा ग्राउंड कनेक्शन होता है, और उसके ऊपर हमारा माइक के कनेक्शन के लिए होता है। तो अगर आप इतना भी पता लगा पाते हो इसमें हमारे पास जो ये स्पीकर की है कि इनमें से कौन सा माइक का है और कौन सा हमारा स्पीकर का है, इतना तो आप पता लगा सकते हैं कि ये दोनों हमारे कॉमन हैं। इन दोनों कॉमन करके, ठीक है ना, यहाँ टच करके देख लीजिए, और इनमें से टच कर करके देख लीजिए कौन से में स्पीकर की आवाज़ आ रही है, तो वो दोनों आपके स्पीकर के हो जाएंगे, और बाकी बचा हुआ तीसरा हमारा माइक का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको सेम कलर दिख रहे हैं, इन दोनों को एक जगह कॉमन करना है, ऐसे इस पिन के इन दोनों को एक जगह कॉमन करना है, इन दोनों कॉमन करके इसमें कनेक्शन कर दीजिए, और बाकी सेम कलर वालों को सेम से कनेक्शन कर दीजिए। या मैंने बता दिया कि ये वाला आपका जो हमारा ग्राउंड आ रहा है, ये वाला हमारा ग्राउंड होता है। मैक्सिमम कंडीशन में जो बिल्कुल ऐसा कलर दिया हुआ है बिल्कुल, जिसमें आपको लग रहा हो कि ऊपर कुछ कलर नहीं करा हुआ कंडक्टर के ऊपर, वो हमारा ग्राउंड वाला होता है। जबकि इन सब के ऊपर हमारे पास कोटिंग आती है, उस कोटिंग को आपको जला के वायर निकालना है। ये मैं वायर निकालने के बाद उनके ऊपर सोल्डरिंग करी है कि टाइट रह सके। तो इस ग्राउंड वाले को आपको इस पे कनेक्ट करना है। ये दोनों हमारे स्पीकर के हैं नीचे, और जो ये रेड वाला वायर है इसको आपको ऊपर माइक पे कनेक्ट करना है। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, तो ये आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। ये आपको ये रेड सबसे ऊपर, ये माइक का है, ये हमारा ग्राउंड, और ये दोनों हमारे स्पीकर। इस तरह से आप अगर कनेक्शन कर लेते हो तो आपकी पिन वापस ओके हो जाएगी। उसके बाद इसमें आप कुछ भी टाइट करने के लिए कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं।